एपिसोड की शुरुआत में इतादोरी बोलता है कि मैं तो मूवी देखने जा रहा हूँ, तुम क्या करोगी कुगीसाकी? कुगीसाकी बोलती है कि अभी काफी टाइम है, मैं तो शॉपिंग करने जाऊंगी। मेगुमी बोलता है कि तुम दोनों काफी एनर्जेटिक हो, मैं तो वापस जा रहा हूँ। अब मेगुमी गाड़ी से वापस चला जाता है तो कुगीसाकी बोलती है कि फाइनली सब खत्म हो गया, ठीक है मैं जा रही हूँ। अब इतादोरी बोलता है कि मैं अर्थवर्म 4 मूवी देखने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ में चलोगी? नुबारा बोलती है कि इसे कौन देखेगा, मैंने तो अभी इसके पार्ट 1, 2, 3 ही नहीं देखे। इतादोरी बोलता है कि आई थिंक अर्थवर्म 4 देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें इसकी स्टोरी बताता हूँ। अब इतादोरी स्टोरी बताता है कि इसमें एक मैड साइंटिस्ट होता है जो कि एक इंसान को अर्थवर्म में बदल देता है, और अब एक लड़की उसके साथ प्यार में पड़ जाती है कि तभी उसके दोस्त उसे मॉन्स्टर बोल के मार देते हैं। अब इतादोरी बोलता है कि मुझे लगता है कि इस फिल्म की थीम प्यार है। नुबारा बोलती है कि थीम कोई भी हो, मैं अर्थवर्म गाय को ही नहीं देखना चाहती। इतादोरी बोलता है कि वो अर्थवर्म मैन है। नुबारा बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शॉपिंग को जा रही हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? इतादोरी बोलता है कि नहीं, मैंने कहा तो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। तो नुबारा बोलती है कि बाय। अब वो दोनों चले जाते हैं कि तभी दूर से एक लड़की उन दोनों को देख रही होती है। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल गाकुगांजी बोलता है कि जितने भी जुजुत्सु सोर्सरर हैं उनमें से स्पेशल ग्रेड एक यूनिक पोजीशन है, लेकिन इसके अलावा ग्रेड 1 सोर्सरर वो होते हैं जो कि दूसरे सोर्सरर को लीड करते हैं। उनके डेंजरस मिशन, सीक्रेसी और सैलरी किसी को भी सेमी ग्रेड 1 से कम्पेयर नहीं किया जा सकता। अब ये सब जानते हुए भी बताओ तुम किन्हें रिकमेंड करते हो? अब मेमे बोलती है कि माकी जेनिन और पांडा। टोडू बोलता है कि मेगुमी फुशिगुरो, नुबारा कुगीसाकी और मेरा बड़ी यूजी इतादोरी। अब इसके बाद टोडू बताता है कि हमने 5 स्टूडेंट को ग्रेड 1 सोर्सरर के लिए रिकमेंड किया है और इनको ग्रेड 1 सोर्सरर बनने के लिए कुछ मिशंस को पूरा करना होगा, और जैसे ही ग्रेड 1 पर वो पहुंचेंगे उन्हें सेमी ग्रेड 1 की पोजीशन दे दी जाएगी, और उसके बाद उन्हें और भी खतरनाक मिशंस दिए जाएंगे वो भी अकेले, और उस मिशन के रिजल्ट पर डिसाइड किया जाएगा कि वो ग्रेड 1 बनने के लायक है या नहीं, और मेरे बड़ी को भी डेफिनेटली रिकमेंडेशन आएगी। अब टोडू टेबल टेनिस खेलते हुए बोलता है कि जब तक सुकुना को ऑपरेशन करने के लिए रिफ्यूज करता रहेगा इतादोरी के मिशंस का डेंजर लेवल बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है मिस में? मैं भी टेबल टेनिस खेलते हुए बोलती है कि मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा मिस्टर टोडो। टोडो तेजी से बॉल को मारते हुए बोलता है कि ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसमें कि टोडो और इतादोरी यूजी दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, क्योंकि खतरा जो इतना बढ़ जाएगा। मैं बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी सोर्सरर स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ मिशन पर नहीं जा सकते। समझ गए, थैंक यू टोडो और बाय बाय, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वहीं टोडो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की नुबारा को बोलती है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम अभी इतादोरी के साथ थी? नुबारा उसे देखकर हैरान रह जाती है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो अपनी पिक्चर दिखाकर बोलती है कि ये मेरे जूनियर हाई की ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटो है। नुबारा बोलती है क्या ये आधे साल पहले की फोटो है, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? तो वो लड़की बोलती है कि मैं 15 सेंटीमीटर लंबी हो गई ग्रेजुएशन के बाद, और टोक्यो आने के बाद यहाँ के एनवायरमेंट के प्रेशर से मेरे अंदर काफी बदलाव आए। अब नुबारा बोलती है कि तुम कुरोको सातो हो और ये इतादोरी है? सातो बोलती है कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसके साथ पिक्चर ली, बल्कि मैं उसका नंबर लेना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से मैं उसके बाद टोक्यो आ गई और आज मैंने इतादोरी को देखा, इसीलिए मुझे लगा कि आज मेरे पास मौका है। नुबारा बोलती है क्या युको, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? सातो बोलती है कि हाँ मेरा वही मतलब है। अब नुबारा बोलती है कि मिस्टर इचिजी, क्या फुशिगुरो अभी भी कार में है? अगर वहां पर है तो इस रेस्टोरेंट के एड्रेस पर उसे ले आइए प्लीज। अब नुबारा बोलती है कि मैं एक लड़के को बुला रही हूँ जो मुझसे ज्यादा इतादोरी को जानता है, तुम्हें पहले उसकी बात सुननी चाहिए। सातो बोलती है कि मिस कुगीसाकी, क्या तुम्हें इतादोरी में इंटरेस्ट नहीं है? नुबारा बोलती है कि नहीं, अगर दुनिया पूरी तरह से भी बदल जाए तब भी ये इम्पॉसिबल है। तभी नुबारा सोचती है कि ये बोलने के बाद मुझे छाती में दर्द क्यों हो रहा है, क्या ये मुझे एरिथीमिया है? अब मेगुमी बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो नुबारा बोलती है कि फुशिगुरो, क्या इतादोरी की गर्लफ्रेंड है? ये है युको ओजावा, असल में ये यूजी को पसंद करती है। तो मेगुमी बोलता है क्या सच में? तो नुबारा बोलती है कि हाँ सच में। अब मेगुमी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जब हमने उसे टोक्यो आने के लिए कहा वो बिना झिझक के आ गया, और यहाँ तक कि उसके कमरे में भी सेलिब्रिटी का ही पोस्टर है। एक गर्लफ्रेंड वाला लड़का ये नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो सकती है। नुबारा बोलती है कि तुम लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए ब्लैक कॉफी पी रहे हो। मेगुमी बोलता है कि तुमने मुझसे जानकारी निकलवाने के लिए बुलाया है ना, तो मैं बता दूं कि मैं हमेशा से ब्लैक कॉफी पीता हूँ। युको बोलती है कि यूजी को किस तरह की लड़कियां पसंद है, तो मेगुमी बोलता है कि उसने कहा था कि शायद लंबी लड़कियां। नुबारा बोलती है कि अब तुम्हारे पास मौका है, मैं मैसेज करके अभी यूजी को बुला रही हूँ। ये देखकर युको बोलती है कि तुम तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इतादोरी आकर बोलता है कि फुशिगुरो भी यहाँ पर है, तो नुबारा बोलती है कि बड़ी जल्दी आ गए। तभी वो सोचती है कि अरे मैंने तो उसे सच्चाई बताई ही नहीं, इतना बड़ा बदलाव होने के बाद अगर इस लड़की को इतादोरी ने पहचाना ही नहीं तो क्रश के हाथों ये सब सुनना कितना बुरा लग सकता है। अब नुबारा बोलने लगती है कि तभी इतादोरी बोलता है कि अरे ओजावा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर मेगुमी और नुबारा हैरान रह जाते हैं कि इसने पहचान लिया। अब पिछला सीन बताते हैं जिसमें ओजावा यूजी की दोस्तों की बातें सुन रही होती है, जो कि बोलते हैं कि यूजी तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। तो इतादोरी बोलता है कि मुझे कोई
भी पसंद नहीं, तो उसके दोस्त बोलता है कि चलो भी एक तो बताओ। इतादोरी बोलता है कि अगर एक को चुनना है तो मैं ओजावा को चुनूंगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे क्यों, वो तो इतनी मोटी है। इतादोरी बोलता है लेकिन उसकी ईटिंग मैनर्स और हैंड राइटिंग तो काफी अच्छी है। तो उसके दोस्त बोलते हैं लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें लंबी लड़कियां पसंद है। इतादोरी बोलता है कि वो अलग बात है। अब ओजावा बताती है कि लड़कियों को काफी जल्दी वेट गेन हो जाता है, लेकिन मैं तो बचपन से ही ऐसी पैदा हुई थी और मैं उस लड़के को कभी नहीं चुनूंगी जो मुझे नहीं चुन सकता। लेकिन इतादोरी ने मेरी वही साइड देखी है जिसे मैंने भी नहीं जाना। मुझे सभी लड़कों से नफरत है इतादोरी को छोड़कर, लेकिन अब शायद मेरे पास चांस है। अब वो इतादोरी के साथ जाने लगती है, लेकिन इतादोरी उसे नॉर्मल रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़कर अलविदा कह देता है। वहीं मेगुमी नुबारा को बोलता है क्या ये सही है, उसे कम से कम नंबर तो लेना चाहिए था। नुबारा बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पास उसका नंबर है। और मुझे एक और बात समझ आई फुशिगोरो, अगर इतादोरी ने मेरे बॉयफ्रेंड बनाने से पहले गर्लफ्रेंड बना ली तो मैं काफी अपसेट हो जाऊंगी। तभी इतादोरी बीच में आकर बोलता है सॉरी इंतजार करवाने के लिए, वैसे तुम क्या बातें कर रहे हो। मेगुमी बोलता है कि कुछ नहीं और उसका सामान वापस लौटाता है। तभी नुबारा बोलती है कि मेरा सामान भी उठाओ, लड़कियों से भारी सामान उठाना अच्छी बात नहीं है। इतादोरी बोलता है कि अरे मूवी लगने वाली है जल्दी चलो, तो वो दोनों बोलते हैं कि हम लोग नहीं आने वाले। अब हमें उतायमे का सीन दिखाया जाता है जिसे कि गोजो की बातें याद आ रही होती है कि हमारे बीच में कोई गद्दार है जो कि हमारी बातों को दुश्मन तक लीक कर रहा है। अब उतायमे क्योटो स्कूल में इतादोरी नुबारा और मेगुमी को बोलते हैं कि गोजो ने तुम्हें ट्रेटर के बारे में बता दिया होगा ना। उतायमे आगे बताती है कि मुझे दो लोगों के ऊपर शक है, पहला इंसान तो प्रिंसिपल से भी हायर पोस्ट पर है इसीलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए इस बार हम दूसरे इंसान की इंटेरोगेशन करेंगे। तो नुबारा बोलती है कि वो कौन है, उतायमे बताने लगती है कि ट्रेटर है। तभी हमें मीवा का सीन बताया जाता है जो कि बोलती है कि मेकामारू तुम्हें ढूंढ लिया, क्या कर रहे हो, हमारी रिपोर्ट सबमिशन की डेडलाइन आज है। मेकामारू बोलता है कि सॉरी मीवा मुझे नींद आ रही थी, रिपोर्ट वहां पर पड़ी है, तुम जाके सबमिट करा दो। तभी वो मेकामारू को टच करके सोचती है कि अरे ये तो सचमुच सो गया, पता नहीं इसकी असली बॉडी कहाँ पर होगी। दूसरी तरफ उतायमे बोलती है कि मेकामारू की असली बॉडी इस बेसमेंट में है, ऐसा नहीं है कि हमें उसके ऊपर शक है, उसका नाम हमने एलिमिनेशन मेथड के तौर पर निकाला है क्योंकि उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। मेकामारू की कर्स टेक्निक है पपेट मैनिपुलेशन और हेवनली रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से उसका पूरे जापान के ऊपर कंट्रोल है और इसलिए बहुत सारे अनरजिस्टर्ड पपेट्स का वो फ्रीले ट्रेडर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इतादोरी बोलता है सचमुच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। तो उतायमे बोलती है कि क्या हो अगर पपेट कोई मक्खी या मच्छर हो। इतादोरी बोलते है कि ओ ऐसा भी हो सकता है। अब उतायमे बोलते हैं कि उसकी असली बॉडी इसके अंदर है। वहीं मेकामारू बोलता है तो वो लोग यहाँ पर आ गए। दूसरी तरफ उतायमे दरवाजा खोलती है और देखती है कि अंदर कोई भी नहीं है। उतायमे बोलती है कि हमें फंसाया गया है। वहीं नुबारा बोलती है कि अब तो मेकामारू ही ट्रेटर है। दूसरी तरफ मेकामारू बोलता है कि तुम लोग लेट हो, मुझे लगा था कि तुम मेरे बारे में भूल गए हो। गेटो बोलता है कि हम ये गलती नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही है कि ये रिस्ट्रिक्शन कितनी खतरनाक है। वहीं माहितो बोलता है कि जगह कितनी बकवास है और हम इसे क्यों छोड़ रहे, ये तो हमारा दुश्मन है, हम इसे खत्म कर देना चाहिए। गेटो बोलता है कि नहीं माहितो अभी नहीं, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन के बदले में इसे ठीक करना होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है, इसीलिए इसे मारने से पहले हमें इसे हील करना होगा। मुझे लगा था कि हम शिबोया में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। मेकामारू बोलता है कि क्योटो स्कूल पर हमला मत करना, तुम लोगों ने बाउंडिंग वॉल को पहले तोड़ा है। माहितो बोलता है कि वो हनामी ने किया था, हमें उसके साथ मत जोड़ो। मेकामारू बोलता है कि मैं कर्स स्पिरिट के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी से मुझे हील करो, बकवास कहीं के। माहितो बोलता है कि अगर एक्सीडेंटली मैंने इसे कैटरपिलर बना दिया तो क्या होगा। गेटो बोलता है कि माहितो अगर तुमने बाउंडिंग बॉय को तोड़ा तो पता नहीं इस बार हमारे साथ क्यों होगा, क्योंकि इस बार की बाउंडिंग बॉय पिछली बार से काफी अलग है। माहितो बोलता है कि ठीक है। अब वो मेकामारू की बॉडी को टच करके अपनी आइडा ट्रांसफिगरेशन को इस्तेमाल करता है। अब मेकामारू की बॉडी नॉर्मल हो जाती है तो माहितो बोलता है कि ये क्यूट नहीं है, क्या तुम खुश नहीं लग सकते। मेकामारू बोलता है कि ये सब खत्म होने के बाद हम बातें नहीं कर सकते। माहितो बोलता है कि सही कहा, और अब माहितो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब मेकामारू अपने बहुत सारे पपेट्स के साथ माहितो पर हमला करने लगते हैं। तो माहितो को गेटो बोलता है कि तुम्हें मदद चाहिए, तो माहितो बोलता है कि नहीं ये मेरा टॉय है। अब मेकामारू माहितो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन माहितो सभी मेकामारू के पपेट्स को तोड़ देता है और देखता है कि वो वहां पर नहीं है। अब माहितो बोलता है कि ये भाग गया, हमें इसे मारने की जरूरत नहीं थी ना, कितना बोरिंग है, अब मैं इसका पीछा नहीं करना चाहता। तभी जमीन नीचे से फटने लगती है जिससे माहितो नीचे गिर जाता है और अब वो खुश होकर बहुत बड़े जायंट मेकामारू को देखकर बोलता है कि ओ सीक्रेटली तुम भी कुछ बना रहे थे। अब माहितो सोचता है कि वो जरूर इसके सेंटर में बैठा होगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उसे टच करूं। वहीं मेकामारू को फील हो जाता है कि उसके चारों तरफ एक वेल बन रही है। अब मेकामारू सोचता है कि ये जरूर गेटो ने किया होगा, उसने सिर्फ मुझे बंद ही नहीं किया बल्कि रेडियो वेव्स को भी ब्लॉक कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे किस तरह सतोरू गोजो को शिबुया प्लान के बारे में बताना होगा, लेकिन अब अगर मैं वेल पर फोकस करता हूं तो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा माहितो है, पहले मुझे इसे ही खत्म करना होगा। वहीं गेटो बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मेकामारू बोलता है कि मैं अभी भी डिसएडवांटेज
पर हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी चांस है क्योंकि मेरे पास सभी का रिकॉर्ड है और जितने सालों तक मैं कैद रहा उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी कर्स एनर्जी इकट्ठा हो गई है, तो एक साल की कर्स एनर्जी के साथ मुझे इसे खत्म करना होगा। रब मेकामारू बोलता है कि इसे खत्म कर दो मेकामारू अल्ट्रा कैनन। ऐसा बोलकर माहितो पर बहुत ही तगड़ा हमला करता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।